क्रिस्टल सिस्टम। अब क्रिस्टल सिस्टम को इसको कंप्लीट करते हैं, पूरा एक कंप्लीट शेप इसको देते हैं, अच्छे से फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ सारा चीज। देखो तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो है, क्रिस्टल सिस्टम टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो हमारा है। तो अभी देखते हैं जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम था, दैट इज सी टी टॉर, सी टी ओ आर टॉर, एच एम टी, सी फॉर क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थो रोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल हेड्रल, और ट्राइगोनल, इसको ट्राइगोनल भी लिखते हैं, ट्राइगोनल और ट्राइगोनल। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल, नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ओके पॉसिबल वेरिएशंस इसका, सॉरी पॉसिबल वेरिएशंस नहीं, क्यूबिक, हाँ क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एज लेंथ। अगर देख लेते हैं एज लेंथ, तो एज लेंथ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, पैटर्न को याद रखेंगे यहाँ पे, ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, फिर ये ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, फिर ये ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, फिर ये ए इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, फिर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, फिर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ओके ये पोर्शन हो गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। एंगल्स जो होंगे, एंगल्स व्हाट आर द एंगल्स, तो इसमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू। ओके एंड ये पोर्शन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू पाई बाय टू, यहाँ पे भी वही सेम, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू पाई बाय टू, एंड फॉर दिस वन रोम्बोहेड्रल अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू पाई बाय टू। अगेन इन हेक्सागोनल लिख चुके थे लास्ट क्लास, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू बट गामा इज टू पाई बाय थ्री। ओके एंड मोनोक्लिनिक में हम देख चुके थे अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू पाई बाय टू बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय टू। फॉर ट्राइक्लिनिक अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय टू। ये पोर्शन था पॉसिबल वेरिएशंस, पॉसिबल वेरिएशंस। देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पॉसिबल वेरिएशंस, प्रिमिटिव हो सकता है, प्रिमिटिव हमारा यूनिट सेल्स क्या कहता है, प्रिमिटिव, PIV, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ओके फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर। तो ये चार बेसिक यूनिट सेल्स हैं हमारे। तो इसमें हम जब देखते हैं क्यूबिक क्ले जो है, क्यूबिक क्रिस्टल, इसके लिए थ्री होता है और इसके लिए टू होता है, याद रखेंगे इस नंबर को, थ्री टू, इसके लिए हमारा वन, ये पोर्शन वन, ये पोर्शन वन, ये पोर्शन टू, ये पोर्शन वन। ओके इसमें थ्री कौन कौन से हैं, व्हाट आर दोस थ्री, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एंड जो थर्ड वन जो हमारा इसमें, थर्ड वन इज इसमें हमारा फेस सेंटर, तो फेस सेंटर हो गया। इसमें दो कौन सा, तो फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर हो गया। नेक्स्ट इसमें वन है, दैट इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव पॉसिबल है, ओके सिर्फ प्रिमिटिव से बनता है। इसमें हमारा वन है, दैट इज प्रिमिटिव, इसमें वन, दैट इज प्रिमिटिव, इसमें टू, दैट इज प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर, यहां ध्यान रखेंगे, दिस इज प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर, प्रिमिटिव एंड एंड्स एंड सेंटर। ओके और एक जगह चार था, थ्री टू, ऑर्थोरोम्बिक में, सॉरी 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 ऑर्थोरोम्बिक इज फोर, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक में चार होता है, इसमें चार कौन सा है, प्रिमिटिव हो गया, चारों पॉसिबल वेरिएशन से प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर, एंड सेंटर पॉसिबल है ये क्रिस्टल, दिस क्रिस्टल कैन बी मेड फ्रॉम ऑल द यूनिट सेल्स, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। ओके एंड लास्ट वन इज प्रिमिटिव, लास्ट वन इज प्रिमिटिव, तो ध्यान रखेंगे। तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम इज सेवन एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन, इसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन या टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो थ्री टू फाइव,
5 4 9 9 10 10 11 11 2 13 13 1 14. लास्ट वन इज एग्जांपल्स. एग्जांपल्स जरा ध्यान देंगे. इसमें जो एग्जांपल है क्यूबिक्स, क्यूबिक का जो एग्जांपल है क्यूबिक क्रिस्टल का, दैट इज कॉपर NaCl एंड जिंक प्लेट ZnS. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल. एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में जो एग्जांपल है SnO2 TiO2 कैल्शियम सल्फेट एंड वाइट टीन, वाइट टीन. दीज आर द एग्जांपल्स. ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बिक सल्फर. ऑर्थोरॉम्बिक में जो एग्जांपल्स है रोम्बिक सल्फर. सल्फर का दो पोर्शन होता है, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर. तो एक हम यहां पे भरेंगे, यहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर यहां पे आएगा, यहां पे रोम्बिक सल्फर. रोम्बिक ROMBIC रोम्बिक सल्फर. एंड इसमें हो जाएगा रोम्बिक सल्फर हो गया हमारा ऑर्थोरॉम्बिक में. एंड बेरियम सल्फेट एंड पोटासियम नाइट्रेट KNO3. पोटासियम नाइट्रेट आर द एग्जांपल्स. रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में हमारा एग्जांपल हो गया रोम्बोहेड्रल हो गया, जिसमें हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड दिस विल फॉर्म HgS, HgS मर्कुरी सल्फाइड. हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ग्रेफाइट. एग्जांपल इज ग्रेफाइट, GrapHit ग्रेफाइट. एंड दिस हेक्सागोनल इज ग्रेफाइट. एग्जांपल हो गया CdS, CdS कैडमियम सल्फाइड. एंड इसमें ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है. एंड मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में एग्जांपल हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में एग्जांपल Na2SO4.10H2O. दिस इज एन एग्जांपल. एंड मोनोक्लिनिक में Na2SO4.10H2O का एग्जांपल यहां पे ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक हैज एग्जांपल बोरिक एसिड H3BO3 एग्जांपल हो गया, बोरिक एसिड हो गया. नेक्स्ट हमारा ब्लू विट्रियोल CuSO4.7H2O, ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O. एंड पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. तो ये पोर्शन हो गया क्रिस्टल सिस्टम. इस टेबल को याद रखेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल है, इसको याद रखना बहुत इजी, इट्स इजी टू रिमेंबर. ऐसे इस फॉर्मेट को याद रखेंगे C टॉर, ठीक है. इस फॉर्मेट को याद रखेंगे सब आसान रहेगा. C टॉर HMT. तो C फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरॉम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल इसको बोलते हैं, H फॉर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, M फॉर T फॉर ट्राइक्लिनिक. तो अभी इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मेट को तो याद रखना आसान है. एंड एज लेंथ A=B=C, फिर बैक साइड से एक एक अनइक्वल होगा, A=B but not equals to C. फिर इस फॉर्म में A is not equals to B is not equals to C. इस फॉर्मेट में A=B=C फिर रिपीट होगा, फिर A is equals to B but not equals to C, A is not equals to B not equals to C. इसमें भी A is not equals to B not equals to C. एंगल्स देखेंगे तो α=β=γ=π/2. फर्स्ट तीन केस सेम. क्यूबिक, क्यूबिक तो पता है क्यूबिक क्रिस्टल. टेट्रागोनल, टेट्रागोनल दिस इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये मैंने बताया. ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑर्थोरॉम्बिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया. ऑर्थोरॉम्बिक हमारा कौन सा है? ऑर्थोरॉम्बिक इज लाइक मैच बॉक्स. तो यहाँ पे α=β=π/2. फिर रोम्बोहेड्रल बताया, अब वो ड्रॉ करना सिखाया, α=β=γ but not equals to π/2. हेक्सागोनल बता चुका था α=β होगा, π/2 के इक्वल, बट γ=γ=2π/3. मोनोक्लिनिक में α=γ=π/2, β=π/2. एंड ट्राइक्लिनिक में α=β=γ=π/2. पॉसिबल वेरिएशन क्यूबिक क्रिस्टल में तीन है, दैट इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर. टेट्रागोनल में दो है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर. ऑर्थोरॉम्बिक में चार है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इन सेंटर. रोम्बोहेड्रल में एक है, दैट इज प्रिमिटिव. हेक्सागोनल में एक है, प्रिमिटिव. एंड मोनोक्लिनिक में दो है, ध्यान रखेंगे, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर है, दिस इज एंड सेंटर. ट्राइक्लिनिक में एक है, दैट इज प्रिमिटिव. क्यूबिक में एग्जांपल्स है कॉपर. क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो एग्जिस्ट करते हैं दीज आर कॉपर्स NaCl जिंक सल्फाइड ZnS. टेट्रागोनल में SnO2 TiO2 कैल्शियम सल्फेट व्हाइट टीन. ऑर्थोरॉम्बिक में क्या एग्जांपल्स है? रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, बेरियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट. रोम्बोहेड्रल में एग्जांपल्स है कैल्शियम कार्बोनेट HgS. एंड हेक्सागोनल में एग्जांपल्स है ग्रेफाइट, CdS, जिंक ऑक्साइड. एंड मोनोक्लिनिक में एग्जांपल इज Na2SO4.10H2O एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. एक और एग्जांपल, मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. एंड ट्राइक्लिनिक में एग्जांपल्स है H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड, ब्लू विट्रियोल दैट इज CuSO4.5H2O एंड पोटासियम, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. ओके, तो इसको कंप्लीट कर लेना और इस टेबल को ड्रॉ कर लेना अच्छे से, जैसे मैंने जैसे जैसे फॉर्मेट बता दिया था उसको ड्रॉ करेंगे. नंबर ऑफ
क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इक्वल्स टू 7, ये पहला क्वेश्चन। नंबर ऑफ पॉसिबल वेरिएशन या ब्रैगिस लैटिसेस, BRAVIS, ब्रैगिस लैटिसेस, ब्रैगिस लैटिसेस दैट इज 14, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑन विच क्रिस्टल्स कैन बी डिफाइंड, पैरामीटर्स ऑन विच क्रिस्टल्स कैन बी डिफाइंड दैट इज 6, वो कौन कौन से हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये तीन क्वेश्चंस, इतना पोर्शंस कंप्लीट कर देंगे, अच्छे से टेबल भी ड्रॉ कर देंगे सारा पोर्शंस, ठीक है। तो दिस इज योर क्रिस्टल सिस्टम, दिस क्रिस्टल सिस्टम, ये पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।